हम बहुत गिरे हुए लड़के हैं। अब वो ऐसे लगड़ाते लड़ाते इसके साथ बिठा दिया और मेरे पाँव पे आगे सूज गया था, इतना मोटा जो नए जूते थे ना वो पैर में भी नहीं आ रहे थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज एक और हम स्टोरी टाइम करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से हम तीनों ने स्टोरी टाइम नहीं करा और तुम्हें हम तीनों का स्टोरी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि रिस्पॉन्स से पता लग जाता है। तो आज मैं तुम सबके साथ ना एक ऐसा किस्सा शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, जो जो इस चैनल पर नवा बंदा आया है, जो पहली बार हम सबकी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं बता दूँ, हम यहाँ डेली व्लॉग्स डालते हैं। कभी कभार हफ्ते में एक दिन हम एक अपना किस्सा बचपन का शेयर करते हैं या हॉरर स्टोरी टाइम करते हैं, तो आज वही दिन है। तो इसलिए आज हम हॉरर स्टोरी टाइम नहीं, इट्स नॉट अ हॉरर, आज मतलब फनी लगा लो, फनी किस्सा है। तो आज हम अपना बचपन का एक फनी किस्सा तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ और कैसे मैं इसकी चिथड़ उड़ा देता हूँ, ठीक है। और एक बार की बात नहीं है ये, मैंने बहुत बार इसके साथ करा है। लगभग मैं 7 से 8 बार गिरा हूँ आज तक बाइक से, और 7-8 में से ना कम से कम 5 से 6 बार मैंने इसको गिराया। कॉलेज जाते वक्त एक बार, शादी में, बहुत जगह गिराया। तो उसमें से एक पर्टिकुलर किस्सा सुना रहे हैं आज तुम्हें, बहुत फनी है। तो कौन शुरू करेगा? मैं ही करूंगा शुरू। तो बात ऐसी है, हमारे ना ताऊ जी के लड़के की शादी थी, ठीक है, और वो चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर रहते हैं, मतलब चंडीगढ़ हमारे घर आने में 10 मिनट का रास्ता लगता है, ठीक है। तो अब मेहंदी चल रही थी वहाँ, तो मेहंदी में अन्नू भी था, मैं भी था, मम्मी थे, पापा थे, सब थे। तो अब शाम का जैसे ही टाइम हुआ, अब ना रिसेप्शन के लिए जाना था जहाँ फेरे वगैरह होते हैं, तो वो चंडीगढ़ में बुक करा हुआ था कुछ। तो मम्मी पापा ने कहा कि कपड़े चेंज कराओ मुझे और रोनी को, बाकी सब अपने लेकर आए थे। तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, स्पीड हमेशा स्लो ही होती है 40-50 की, लेकिन किसी को पता नहीं क्या खराब है साड़े की कि मैं पीछे बैठा हूँ या कब। दोस्तों को भी बहुत गिराया साड़े ने, गिरता मुंह के बल ही है, होता कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता, सिर्फ कमर पे लगते हैं। पता क्या, अब जब भी बंदा गिरता है ना, उसकी एक ना बॉडी स्ट्रक्चर हो जाती है, जब भी तुम डिसबैलेंस हो गए ना, तुम एक ही उस पोस्चर में चले जाओगे। मेरे ना कमर पे और हाथ के यहाँ पर लग जाते हैं, और तब ना मैंने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए थे। और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, तुम दोनों इकट्ठे निकल गया, मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे को कोई पता नहीं, मम्मी ने बुला लिया था, पापा ने बुला लिया था, मैं तब आ रहा था पीछे थे, कपड़े तो मुझे भी चेंज करने थे, साले कल्ला मैं कैसे ले जाऊंगा, या तो तुम दोनों भी ले जाओगे ना, तो मैं पीछे आ रहा था। अभी तो तुम मेरे को गिरे हुए दिखे, ये वहां भीड़ क्यों लगी हुई है? तो हुआ क्या था मेरे, तो मैं बताता हूँ। तो हुआ ऐसा कि अब हम ना एक ना पुल आता है वहाँ पर, मेन सड़क से ना अंदर सोसाइटी है जहाँ ताऊ जी और रहते हैं, मार्केट में गिरे थे तुम। तो मतलब मेन सड़क से जो हाईवे है उससे अंदर एक सोसाइटी है, वहाँ उनके बीच में एक पुल है, तो हम उस पुल से थोड़ा पीछे थे। तो अब हुआ क्या, मैं जा रहा था, रोनी पीछे बैठा था, एक ऑटो वाला था, एक ऑटो वालों का ना कोई ईमान धर्म नहीं, इनको जहाँ सवारी दिखती है ना ये बीच से भी ऐसे मुड़ जाते हैं, इधर होंगे तो इधर चले जाएंगे, इनको किसी का डर नहीं। हमारे आगे एक आ गया, ब्रेक मारी मैंने, उड़ के गिरे। हमें जब होश आया ना दोनों को, तो मैं ऐसे देख रहा था, रोनी ऐसे बैठा हुआ था वो फुटपाथ से, मैं मुझे बीच में लगी होती है ना जब तूने माड़ी की थी। मैं बताता हूँ क्या बताया था, कुछ नहीं था, ऑटो वाले ने पता नहीं क्या किया, इसने सीधे ऑटो के पीछे मार दी, तो अब मार दी, गिर गए दोनों के दोनों। 2 मिनट के लिए पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, ऐसे थोड़ा चक्कर से आ जाते हैं। तो जब मेरी आंख उठी ना, तो मैंने देखा कि फुटपाथ के पास थोड़ी सी भीड़ है, एक दो बंदे मुझे उठा रहे थे और फुटपाथ के पास ही यूं बैठा हुआ था, यूं बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा हुआ था ये लौंडा। और भाई मेरे को 2 बंदों ने ऐसे पकड़ा, मेरा ऐसा हाथ अपने कंधे पे रख दिया, मगा ऐसा क्या होगा, और मुझे ऐसे लगड़ाते लड़ाते इसके साथ बिठा दिया। अब इसने मेरी तरफ देखा, मैंने इसकी तरफ देखा, हम हंसने लग गए, हम हर बार हंसते ही हैं, चीख मार मार के हंस रहे हैं, अब हम हंस रहे हैं और लोग कह रहे हैं बच्चे लगी तो नहीं और हम हंस रहे हैं। तो बाज उड़ा, उन्होंने भी पूछना बंद कर दिया। तो फिर पीछे मैं भी तो आ गया था, फिर मैं यूं ही देखा, मैं तो सीधे निकल जाता, पर भीड़ देख के बंदा रुक ही जाता है। और मैं देखा दोनों बैठे फुटपाथ से, और क्या हो गया, एक रोनी के तो जूते फटे हुए सारे के सारे, मेरे जूते फटे हुए। उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज का था, इस चीज का डर नहीं था कि भाई गिर गए, इस चीज का डर नहीं कि चोट लगी, इस चीज का डर था इसके नवे जूते दिलाए थे वो फट गए, शादी के लिए नवे जूते लिए थे वो फट गए, और गोड्डे भी फट गए, गोड्डे ये होता है ना, ये भी फट गई, पैंट फट गई थी और जूते फट गए। जूते पैंट की तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शादी में नहीं पहननी थी, वही पहनने जा रहे थे, बस दिक्कत होगी जूतों की, जूते साले जो शादी में पहनने थे ना वो अपन वही पट गए सारे, वो बिल्कुल आगे इतना बड़ा छेद हो गया। अंकित भी फटी थी, तेरी तो शर्ट भी फटी थी। नहीं नहीं, मेरे कमर पे लगी, कमर से शर्ट फट गई ना, वो तो मैंने टक इन कर ली थी ना, वो नीचे से फटी थी, वो अंदर छुपा ली, वो छुपा ली। अब हुआ क्या उसके बाद ना, अब दर्द में किरराते हुए हम घर गए, इसने हमें मणिमाजरा में हमारे घर, जब घर आते हुए ना मणिमाजरा आता है, वहां में डॉक्टर को हमने केमिस्ट्री वगैरह में दिखाया, दवाई वगैरह लगाई, आगे घर से कपड़े कुपड़े चेंज करे,
इसे जूते भी तो दिलाए साले को, इसको जूते भी दिलाए, दिलाने पड़ने थे यार। ठीक है, तो हम ना वापस अपने ताई जी के घर पहुंच गए। अब क्या हुआ, नहीं ताई जी के घर नहीं गए, डायरेक्ट हम आ गए थे जहाँ रिसेप्शन था, हम वहां पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब जब बारात एंटर करती है ना, उसे 100 मीटर पीछे से ना सब वेट कर रहे थे कि एक साथ यहाँ से नाचते हुए एंटर करेंगे उसके अंदर। अब ताऊ जी पापा मम्मी फोर्स कर रहे हैं, जाओ नाचो जाओ नाचो, और यहाँ ये चल रहा लंगड़ा लंगड़ा कर, पर मैं ऐसे चल रहा हूँ फटी फटी नाच में गले लग जा। और डर इस चीज का था कि पापा मम्मी यहाँ से घूर के देख रहे हैं कि भाई अपने नहीं नाचेंगे तो फिर शुरू कैसे होगा, और घर वालों को बता नहीं सकते कि भाई लड़कों के हाथ पैर टूट गए, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, इसके पैर में, और फिर भी डर डर में इसके कमर में लगी नहीं थी बांडे, तेरी किस्मत अच्छी थी, कमर में लगी ना उसके, इसके कमर में लगी थी, ठीक था, हाथ हिला सकता है खड़ोगे, मेरे गोड्डों पे जो एक जॉइंट होता है ठीक है गोड्डों का, और मेरे पाओ पे आगे सूज गया था इतना मोटा, जो नए जूते थे ना वो पैर में भी नहीं आ रहे थे। पर पापा के डर के सबके डर के थे कि अब नाचना तो है ही, अपने भाई की शादी है, मैं और पापा लगे भी गर्मी में यू नाच रहा हूँ पापा के सामने, ये मुझे ये कह रहा है मर जाएगा उसे भी लॉली को भी घेरा हुआ ना, मैंने बहुतों को घेरा है यार, बहुतों को छोड़ो, पर दूसरा बता देता हूँ, कॉलेज का दिन था इसी में बताता हूँ, बाकी की बात बताएंगे, तो डिप्लोमे का पहला दिन था लगातार बता देता हूँ, तो मेरा सीनियर था, सड़क बता देता हूँ, सिर्फ सड़क सीधे यूज आती है, ये कॉलेज है और एक ऐसे अंदर को कट आता है, एक और भी तो था, नहीं हम नहीं थे यार, वो नहीं था, मैं हमेशा की तरह फिर पीछे बैठा हूँ बैग टांग कर भाई, और ये बाइक चला रहा है सेम बाइक है जा रहे हैं, फिर ऑटो वाला सामने जा रहा है, इसका ऐसा कहना था हर बार, ये तो यही बोलता था भाई गिरने के बाद सामने वाले की गलती है, उन्हीं की गलती होती थी, मैं तो गिर जाता था ना, तो मेरे को पता ही लगता था किसकी गलती है, मैं तो पीछे बैठा था, ऑटो वाला अब इसके कहने के अनुसार यू हो गया इसको बिना बताए, बिना इंडिकेटर दिए, बिना इंडिकेटर दिए, तो उससे 3 साल पहले जब हमने जहां ताई जी के बारे में भी गिरा था तब भी इसने उसी की गलती निकाली, इंडिकेटर दिए बिना इधर से इधर, एक बंदा 10 बार गिरा चुका है 15 बंदों को, तो भाई तुम लगा लो हिसाब की हर बार सामने वाले की गलती तो नहीं होगी। तो वहां पे भी क्या हुआ, हम कॉलेज आ रहे, पहला दिन था, अचानक से कॉलेज के गेट के बाहर एक ऑटो वाला इसके कहने के मुताबिक यूं मुड़ गया और इसने सीधे ऑटो पे मार दिया यूं, और फिर एक बार हम धरती पर, उसके शीशा था ना जो उनका साइड वाला शीशा होता ना उस पे बाइक का हैंडल फंस गया था और घिसड़ते हुए गए, वो तो बच गए, उस दिन भी इसके जूते फटे, उस दिन भी इसकी पैंट फटी, और उस दिन मेरा पाम पे दर्द हो रहा था यार, चमराट मच रहा था, वो लुक थी ना सड़क ना काले वाली थी, तो हाथ में छोटे छोटे वो बजरी बजरी अंदर घुस गई थी, काली काली बजरी काली काली अंदर घुस गई थी यार। उस दिन भी पता क्या हुआ, मैं जैसे उतरा ना उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं सीधे बाहर उस ऑटो वाले से लड़ने के लिए गया, पर मैं लड़ा नहीं, वो चला गया फट्टू है ना, उसके बाद लड़ता कैसे, दो वो भी मार देता, वैसे दर्द हो रहा है, दो वो भी मार देता, क्या रुक गया फट्टू था नहीं गया, उसके बाद मैं और रोनी जो हंसे सड़क पे बैठे हुए इतनी देर तक हंसते रहे, क्योंकि हंसी आती है भाई क्या करें, इसके जूते भी फट गए थे, पैंट भी फट गई थी, और हंसी किस बात पे आ रही थी, ना मेरे हाथ पे लगी क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए थे ठीक है, ना मेरी कमर पे लगी, ना मेरे जूते फटे, ना मेरी पैंट फटी, सिर्फ हंस रहे की क्योंकि ये सेफ बैठा हुआ था पीछे, चिथड़ उड़ गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमारे कभी उतना खतरनाक दर्द नहीं होता, बट वो होता है ना हल्का मोटा खरूंडे वाला, बस उतना ही होता है, पर भगवान की कृपा है जितनी बार भी गिरा ना, बहुत बार गिरा, 10-12 बार गिरा, उसमें से तो 4-5 बार तेरे को लेके गिरा, पर कभी भी ना हमें चोट नहीं लगी मेजर, बस ऐसा इसके जूते हमेशा फटे हैं, और मेरी ना कमर पे हमेशा हल्की हल्की लग गया, शायद वो एक इंडिकेशन होता ना भगवान की तरह से, बदल ले बदल साल एक जूते क्यों पहनता, अच्छा क्योंकि मैं चलाता लिमिट में, हमेशा लिमिट में चढ़ाता हूँ, पर हां की तेरे कभी नहीं लगी वैसे खासा ना, मेरे को कभी नहीं लगी, मैं एक ही बार गिरा हूं बाइक से और सीधे प्लास्टर चढ़ गया था, और मैं एक ही बार गिरा था, अनु एक बार गिरा था, ये कार ले जाता था ऑफिस, और एक बार मेरी बाइक ले गया, कहता ब्रेक नहीं लग रही, पता नहीं क्या नहीं लग रही, और गिरा, और जैसे गिरा ना पूरे हाथ मेरा महीने के लिए प्लास्टर, मेरा पूरा पैर ऐसे था, मैं भाई मैं डॉक्टर तक भी नहीं जा पाया, मैं बंदे को पता क्या बोल रहा हूँ, बंदे को, बंदा आया उठाने नेड़े, मतलब बहुत मारूंगा तेरे को, टूटा हुआ हूँ पूरा, कैसे सॉरी भैया, मैंने कहा उठा मेरे को पहले, उठा मेरे को, वो भाई मेरे को पट्टी कराने ले गया, मैंने कहा फिर तेरे को बुलाया था, मैंने तू आया था, भाई पूरा मेरी पैंट पटी हुई, मेरी शर्ट फट गई, बस सीधे प्लास्टर चढ़ा हाथ पे सीधे ही, गिरना भी एक कला होती है जो मेरे को अंकित को अच्छे से ऐसे पलट के गिरा, बहुत गिरे हुए लड़के भाई तूने तो ऑटो को ठोक के गया, मैंने मजा लो जो गाड़ी वाले के टच भी किया हो, मैं खुद ही उसे बचाने के चक्कर में खुद ही ऐसे पलट गया किस्सा यही था कि हमारे को चोट भी लगी बुरे तरीके से लगी, और शादी में फिर भी नाच रहे पापा के डर से, पापा ने बचपन में पता नहीं सबको इतना डर होता कि हमें बहुत डर था पापा का, तो यार यही किस्सा था, आई होप तुम सबको मजा आया होगा, मुझे पता है सबके साथ ये किस्से होंगे जो जो बाइक पे एक्टिवा पे जाते हैं,
नहीं नहीं वो थोड़ा बहुत तो इतना नहीं गिरते हाँ। अपने दम पर मैं कभी नहीं गिरा हूँ आज तक। अरे कोई तो लड़कियां भी होंगी यहाँ पर जो देख रही हैं, लड़कियां तो गिरती हैं। तो कह रहा अपने दम पे नहीं गिरा, तूने चलाया कब है? हमेशा तो हमारे साथ गया, हमेशा तो मेरी पीठ पे लद कर गया। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ध्यान करते हैं, तुम सबको मजा आएगा। मजा आया तो कॉमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, जो जो गिरा है जैसे जैसे गिरा है कॉमेंट सेक्शन में अपनी अपनी कहानियां जरूर बताना, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।